हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। हिंदी की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ, पाठ तीन, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। बच्चों, पुरस्कार का अर्थ आपको पता है क्या होता है? पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम देना, इनाम। बच्चों, उपर्युक्त चित्रों में आप देख सकते हैं कि बंदर के हाथ उसरा तो आ गया है, लेकिन बिना अकल का इस्तेमाल किए हुए आदमी की नकल करने लगता है और खुद को ही चोट पहुंचा देता है। इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये देखिए, हम चित्र में देख रहे हैं ना, ये देखो, ये आदमी हजामत कर रहा है और बंदर ऊपर से देख रहा है कि वो कुछ कर रहा है। तो उसने भी उसरा ले लिया और ये देखो अपने गाल को कितना लहूलुहान कर दिया। पाठ प्रवेश। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के कार्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यद्यपि अपने आप पर भरोसा रखकर अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। गणित की कक्षा चल रही थी। राजू सर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को नज़दीक आ रही परीक्षाओं की याद दिलाते जा रहे थे। बीच बीच में वो पुरस्कार का लालच भी दे देते। पता नहीं उन्हें क्यों लगता था कि बच्चे परीक्षा और पुरस्कार के लिए ही पढ़ते हैं। कक्षा की समाप्ति के समय राजू सर ने बच्चों से कहा, क्या कहा? बच्चों, गणित सूझबूझ के साथ अभ्यास करने से आता है। आज हमने जो सवाल किए हैं, लगभग वैसे ही सवाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, घर पर अभ्यास करने के लिए दे रहा हूँ। कल जो इन्हें सही सही हल करके लाएगा, उसे क्या मिलेगा? उसे पुरस्कार मिलेगा। इतने में घंटी बज गई। राजू सर कक्षा से बाहर निकल गए। उन्हें मालूम है कि आज उन्होंने कुछ मुश्किल सवाल भी दिए हैं। परीक्षाएँ भी अब निकट आ रही हैं, इसलिए बच्चों को अब अधिक तैयारी की ज़रूरत है। अगले दिन कक्षा में बहुत कम होमवर्क सही सही करके लाए थे। जो बच्चे थे वो बहुत ही कम होमवर्क ले करके लाए थे, और वो भी सही सही। राजू सर एक के बाद एक कॉपियां देखते और निराश हुए जाते, लेकिन जैसे ही उन्होंने रमेश की कॉपी देखी, उनका चेहरा खिल गया। उन्होंने उसकी तारीफ करी। उसके बाद उन्होंने वासु की कॉपी देखी। वासु ने भी सवाल सही करे थे, सही हल किए थे। उन्होंने वासु की भी सराहना की, मतलब उन्होंने उसकी भी प्रशंसा की। वे दोनों के लिए पुरस्कार की घोषणा करने जा ही रहे थे कि कुछ सोचते हुए वो रुक गए। फिर रमेश और वासु से पूछा, तुम दोनों ने ही सारे सवाल सही किए हैं, अब तुम दोनों ही बताओ कि पुरस्कार किसे दिया जाए, क्योंकि दोनों ने ही सही सवाल करे थे। झट रमेश ने कहा, नहीं सर, आप पुरस्कार वासु को ही दीजिए, क्योंकि ये सारे सवाल मैंने खुद हल नहीं किए हैं। जो समझ नहीं सका वे सवाल अपने भाई से पूछकर किए हैं। राजू सर को रमेश की ईमानदारी देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने ऐसे कहा जैसे समस्या का हल निकाल रहे हों। ठीक है, तुम दोनों ने इन 10 सवालों को हल किया है ना, अब बोर्ड पर एक एक सवाल समझाते हुए हल करके दिखाओ। इससे तुम्हारे बाकी के साथियों को भी क्या होगा, फायदा होगा, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि किसे पुरस्कार देना है। वासु, आओ पहले तुम बोर्ड पर सवाल हल करो, सर ने उसके हाथ में चौक पकड़ाते हुए कहा। वासु बोर्ड के पास जाकर बगले झांकता खड़ा हो गया। बगले झांकता मतलब उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे, किंतु एक भी सवाल हल नहीं कर सका। राजू सर ने रमेश से सवाल हल करने के लिए कहा। रमेश ने आराम से बोर्ड पर क्या किया, सारे सवाल एक के बाद एक समझाते हुए हल करके दिखा दिए। कक्षा के सब बच्चों ने क्या किया, तालियां बजाई। राजू सर ने वासु से पूछा, तुमने अपनी कॉपी में सारे सवाल हल कर दिए थे, अब क्यों नहीं कर सके? उसने दबी आवाज में बोला, क्या कहा, सर ये सारे सवाल मेरे भाई ने हल किए थे,
मैंने तो इनाम के लालच में सारे सवालों के जवाब कॉपी में उतार दिए, मतलब मैंने नकल करी, अपना दिमाग नहीं लगाया, मुझे नहीं आते थे, मैंने अपने भाई से पूछा और उसने कर दिया और मैंने सारे उतार लिए, नकल कर ली। राजू सर ने कहा, सुनो तुम्हें जो समझ में नहीं आता है उसे सीखने के लिए बड़ों की मदद लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे समझकर तुम्हें खुद दोबारा हल करना चाहिए। गणित के सवाल तुम स्वयं अभ्यास किए बिना सीख नहीं सकते, इन्हें समझना जरूरी है। रमेश ने भी अपने भाई से मदद ली, लेकिन पूरी तरह से समझकर, इसलिए यहाँ वह आराम से क्या कर पाया, हल कर पाया। राजू सर थोड़ी देर के लिए रुके और फिर सभी बच्चों से कहने लगे, रमेश ने पूरी ईमानदारी से बताया कि उसने अपने भाई की मदद ली है, ईमानदारी और कठिन परिश्रम से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है बच्चों, इसलिए आज इनाम का हकदार रमेश है, लेकिन मैं रमेश के साथ साथ तुम सभी को पुरस्कार दे रहा हूँ, क्योंकि तुम सबने कोशिश की है, ऐसे ही कोशिश करते रहो और जो समझ में ना आए मुझसे पूछो, अपने साथियों से भी पूछ सकते हो, परीक्षाएं पास आ रही हैं। तो बच्चों, ये आपने इस कथा से, इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें नकल नहीं करनी चाहिए, हमें शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, जल्दी वाला रास्ता, उससे हमें समझ में कुछ नहीं आएगा, वो काम तो हो जाएगा लेकिन हमें नहीं समझ में आएगा, हमें समझ में तब आएगा जब हम उसके लिए कठिन परिश्रम करेंगे, तभी वह चीज़ हम समझ सकते हैं। तो इसलिए कठिन परिश्रम, मेहनत करना अति आवश्यक है, तभी हम उस चीज़ को सुलझा सकते हैं, तभी वह चीज़ हमारे को आ जाएगी और हमेशा के लिए आ जाएगी। ठीक, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, कठिन शब्द अभ्यास, कक्षा, परीक्षा, निराश, पुरस्कार, सराहना, मुश्किल, घोषणा, निकट और ईमानदारी। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शब्दार्थ, अभ्यास का अर्थ है बार बार कहना, मुश्किल का अर्थ है कठिन, निकट पास, निराश का अर्थ है हताश, सराहना का अर्थ है प्रशंसा, बगले झांकना यानी निरुत्तर होना या इधर उधर देखना, हासिल करना यानी प्राप्त करना, और हकदार का अर्थ है दावेदार। और हमने शब्द किए थे, और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम से पूछा गया है पहला क्वेश्चन, गणित सूझबूझ के साथ अभ्यास करने से आता है, राजू सर ने ऐसा क्यों कहा? राजू सर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सही में जो गणित का जो विषय होता है ये आपको याद करके लिखने का नहीं होता है, गणित को हमेशा उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसका अभ्यास करना होता है और अपने दिमाग से सूझबूझ करके ही आता है, इसीलिए राजू सर ने ये बच्चों को बताया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना होमवर्क समय पर पूरा ना कर पाए हो? इसका कारण भी बताओ बच्चों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने को होमवर्क मिला है और आपने नहीं किया, है ना, कई बार होता है ना, और इसका कारण भी आपको पता होगा, कई बार आपको नींद आ जाती होगी या आपको आलस आ जाता होगा या आप थक जाते होंगे या आप आज मन नहीं कर रहा, आज मैं होमवर्क नहीं करूँगा, या आप कहीं बाहर गए होते हैं, आने के बाद तो समय नहीं मिलता, है ना, तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपको होमवर्क मिला, गृह कार्य मिला और आप नहीं कर पाए। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, हमें सही का चिन्ह लगाना है, राजू सर कौन सा विषय पढ़ाते थे बच्चों? राजू सर हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी या गणित? राजू सर गणित का विषय पढ़ाते थे, तो मैंने गणित के आगे सही का निशान लगाया। कौन बोर्ड पर सवाल नहीं हल कर सका, वासु, रमेश, राजू सर या सतीश? सवाल नहीं हल कर सका, वासु। किसकी ईमानदारी से राजू सर प्रसन्न हुए, गणेश की, वासु की, रमेश की या महेश की? महेश की ईमानदारी से, रमेश की ईमानदारी से, क्योंकि रमेश ने बता दिया था कि राजू सर मैंने सवाल नहीं किए, मैंने अपने भाई से मदद ली, कुछ कर लिए थे, कुछ की मैंने मदद ली, तो ईमानदारी किसकी थी, रमेश की। रमेश ने किसे पुरस्कार देने के लिए कहा, स्वयं को, वासु को, महेश को या सभी छात्रों को?
रमेश ने वासु को पुरस्कार देने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसने सभी सवाल हल कर दिए थे। और अब क्या है, हमें वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। इनाम का हकदार ईमानदार विद्यार्थी है। जी हाँ बिल्कुल, इनाम का हकदार हमेशा जो ईमानदार विद्यार्थी होता है वही होता है। तो मैंने इसके आगे सही का निशान लगा लिया। गणित सूझबूझ के साथ अभ्यास करने से आता है। जी हाँ, गणित विषय को सूझबूझ के साथ उसका अभ्यास भी जरूरी है, तो ये बिल्कुल सही है। वासु ने अपने भाई की मदद ली थी। जी हाँ, वासु ने अपने भाई की मदद नहीं ली थी, वासु ने तो अपने भाई से सारा कुछ करवा लिया था। मदद होता है जब थोड़ी सी मदद लो और बाकी का स्वयं कर लो, लेकिन उसने तो मदद नहीं ली थी, उसने तो सारा कुछ उसी से करवा लिया था, तो ये गलत है। सर ने पुरस्कार किसी को नहीं दिया। जी नहीं, सर ने पुरस्कार की घोषणा सभी बच्चों को करी थी। रमेश ने कॉपी में सभी सवाल स्वयं किए थे। जी नहीं, रमेश ने कुछ कुछ सवाल अपने भाई से पूछ के करे थे, मदद से करे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। राजू सर ने सच्चाई जानने के लिए क्या तरकीब निकाली? राजू सर ने सच्चाई जानने के लिए क्या निकाला? उन्होंने कहा, वासु और रमेश तुम दोनों बाहर आओ बोर्ड के सामने और एक एक सवाल हल करके दिखाओ, जिससे तुम्हारे साथियों को भी मदद मिले। वासु बोर्ड पर सवाल क्यों नहीं हल कर सका? बच्चों, वासु सवाल इसलिए नहीं हल कर सका क्योंकि उसने तो अपने आप कुछ किया ही नहीं था। उसने तो सारे सवाल अपने भाई से हल करवा लिए थे, उसने सिर्फ उनके आंसर लिख दिए थे, इसलिए वो हल नहीं कर सका। आपकी समझ से इनाम किसे मिलना चाहिए था? हमारी समझ से इनाम सभी बच्चों को मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही है पाठ में, क्योंकि सभी बच्चों ने कुछ कुछ अपने हिसाब से कोशिश करी थी, प्रयत्न किया था। राजू सर ने किसे पुरस्कार देने की घोषणा की? राजू सर ने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देने की घोषणा करी थी। राजू सर परीक्षा और पुरस्कार की बातें अधिक क्यों करते थे? राजू सर परीक्षा और पुरस्कार की बातें अधिक इसलिए करते थे क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं और उनको लगता था पुरस्कार पाने के लालच में बच्चे जो हैं वो अधिक मेहनत करेंगे, इसलिए राजू सर पुरस्कार और परीक्षा की बातें अधिक करते थे। और बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ, पाठ 3, यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इस पाठ से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।